नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राष्ट्रीय युवा शक्ति शहीद और उनके परिजनों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहती है। इसी को लेकर राजधानी रांची में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहां शहीद भगत सिंह के प्रतिमा लगाने को लेकर धरना प्रदर्शन पे 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर भी है, अजब झारखंड की गजब कहानी, भगत सिंह भी हुए शर्म से पानी पानी, भगत सिंह को अपनाना अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस प्रकार के स्लोगन से सरकार और प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है और शहीद भगत सिंह के लिए 2 गज जमीन की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांग है और प्रशासन क्यों नहीं इनकी बातों को सुन रही है। आखिर क्यों धरने पर बैठना पड़ा और महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को 2 गज जमीन क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, मैं आपके माध्यम से राज्यवासियों को, प्रशासन को, सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। अब याचना नहीं, अब रन होगा, क्योंकि अब सब्र का बांध टूट चुका है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो अपमान हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पिछले 1 वर्षों से रांची के पुलिस लाइन में कबाड़ गाड़ियों के बीच में प्रतिमा रखा हुआ है। आज प्रतिमा का स्थिति बस से बदतर हो चुका है। हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग करके थक गए हैं, तब जाकर मजबूरन 25 तारीख को हम लोग हजारों हजार की संख्या में राजभवन पहुंचे। उसके बाद यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। हम लोग का एक ही मांग है, भगत सिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 2-3 दिन के अंदर प्रशासन डिसीजन नहीं लेती है तो 14 मार्च को रांची बंद होगा, क्योंकि भगत सिंह का अपमान पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रही है, अमर शहीदों की धरती रही है और इस धरती में भगत सिंह का अपमान। अब सोचिए, 1 रुपया के तर्ज पर सरकार और प्रशासन के द्वारा सैकड़ों एकड़ जमीन दे दिया जाता है हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूल के नाम पे, और एक भगत सिंह को मात्र 2 गज का जमीन नसीब नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग 2-3 दिन वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग 14 मार्च को रांची बंद बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। प्रशासन की ओर से कुछ वार्ता हुई है? प्रशासन की ओर से पिछले साल 28 अप्रैल को हम लोग जब मुख्यमंत्री आवास मार्च किए थे तो वार्ता हुई थी, बोला नहीं आप लोगों को स्थान मिल जाएगा। कई रो दौड़ का वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता कोई असर नहीं आया, स्थान आज तक नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग मजबूरन यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रशासन की ओर से हमें कुछ भी आश्वस्त नहीं किया गया है, इसलिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों द्वारा एक मार्च निकालकर राजभवन पहुंचा गया और 3 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आपको बताते चलें कि राजधानी रांची के पुलिस लाइन में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा रखी गई है और 2 गज जमीन की मांग किया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी तक 2 गज जमीन शहीद भगत सिंह को नहीं मिल पाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे की आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जमीन नहीं मिलने का बहुत हम लोग को दुख है, और दुख में केवल हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति के अलावा आम मूलवासी, आम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। कई बुजुर्ग लोग, कई नौजवान लोग जिनको तकलीफ हुआ है, सब लोग इसी के कारण आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। प्रशासन के द्वारा हमेशा टाल मटोल किया गया, जिसके कारण आज हम लोग मजबूरन धरना में बैठे हैं। और आने वाले समय में जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ है कि नहीं होगा तो हम लोग बहुत जल्द झारखंड और रांची बंद करने का भी आंदोलन के रूप में करेंगे। तो सुना अपने राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों का कहना है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह की प्रतिमा के लिए राजधानी रांची में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं और युवा उनसे प्रेरित होकर देश हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज मांग है, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम अपना कोई घर बनाने के लिए जमीन नहीं मांग रहे हैं, हम अपने कोई निजी कामों के लिए जमीन नहीं मांग रहे हैं, देश हित और राजहित के कार्यों के लिए ही ये जमीन की मांग की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।